जी, हमें बचाइए ना भैया जी, नहीं तो हमारे मेहरारू हमारे बचनों का क्या होगा भैया, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। नहीं आप कुछ कर सकते हैं, कोई ना कोई उपाय आप निकाल ही सकते हैं ना भैया, हमको बचा लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा भैया। हाँ याद आया, क्या याद आया भैया? घी की घी बेच कर हम जब घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे पैसे ही नहीं है, देवी माँ ने हमारे पैसे गायब कर दिए, जैसे आपके दूध को गायब कर दिया। फिर क्या किया तुमने? अरे हमने क्या करना था भैया, जो कुछ भी करना था देवी माँ ने करना था। तो हम पूछ रहे हैं देवी माँ ने क्या किया? देवी माँ ने हमें दंड दिया दानी, दंड। माफ कैसे किया तनिक ये भी तो बताइए ना, बताइए ना भैया जी, बताइए ना, बताइए ना। जब हम उसका दंड सह नहीं सके, हमारा खाना पीना हराम हो गया, तो देवी के पेड़ वाले मंदिर के पास जाकर हमने देवी से क्षमा याचना की और देवी ने हमें क्षमा कर दिया। भैया अगर हम देवी माँ के पेड़ के पास जाकर माफी मांगेंगे तो क्या हमें वो माफ कर देगी? अवश्य कर देगी, परंतु इसके लिए तुम्हें शपथ लेनी होगी। शपथ शपथ शपथ, कभी तुम बेईमानी नहीं करो, कभी मिलावट नहीं करो, लोगों के ज्ञान से नहीं खेलोगे, अन्यथा देवी तुम्हें देवी से प्रार्थना कीजिए। अब तुम भी अपनी आंखें बंद कर कर देवी से प्रार्थना करो, हम कभी इस तरह से मिलावट नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम्हें क्षमा कर दे और तुम्हारी पेड़ सामग्री तुम्हें वापस लौटा दे। हम प्रार्थना करेंगे भैया जी, हम प्रार्थना करेंगे। तो ठीक है, आंखें बंद करके करो, 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 करो।